असल माई नामीशा अम योर न्यू मैथमेटिक्स टीचर सो वी आर गोइंग टू स्टार्टअप विद य नंबर वन विच इज नंबर एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फाइव डिजिट नंबर्स नोटेशन विच इज़ ऑन पेज नंबर फोर एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊँगी मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो आपकी सेकेंड एडिशन की बुक है जो कि न्यू काउंट डाउन सेकेंड एडिशन है और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि थर्ड एडिशन की बुक को फॉलो कर रहे होंगे सो इसमें परेशानियाँ होने की या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये बिल्कुल सेम चीज़ है सिर्फ पेज नंबर का वेरिएशन है सो so, मेरे पास अभी चूंकि थर्ड एडिशन की बुक नहीं है तो मैं सेकेंड एडिशन की बुक को फॉलो कर रही हूँ सो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं ये मेरे पास ये न्यू बुक होगी तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ पेज नंबर शेयर करूंगी तो अभी आपने करना ये है कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपने टैली कर लेने हैं तो क्वेश्चन टैली करके आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा पेज नंबर है अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ सो so, uh, पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इज अबाउट पीरियड्स एंड द प्लेसेस। सो हमारे पास जो फाइव डिजिट नंबर्स हैं उसमें हम लोग टू पीरियड्स को यूज करते हैं सो so, जो पहला पीरियड हमारे पास होता है वो वंस का पीरियड होता है और जो दूसरा पीरियड हमारे पास होता है वो थाउजेंड्स का पीरियड होता है और जो वंस का पीरियड होता है उसमें हमारे पास थ्री प्लेसेस होती हैं पहली प्लेस हमारे पास वंस की होती है जिसमें एक नंबर होता है दूसरी प्लेस हमारे पास टेंस की होती है जिसमें हमारे पास दो नंबर्स होते हैं देन हमारे पास हंड्रेड की प्लेस होती है जिसमें हमारे पास थ्री डिजिट्स होते हैं उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पीरियड है वो थाउजेंड का पीरियड है उसमें पहली प्लेस में आपके पास फोर डिजिट्स होते हैं और उसके बाद जो के थाउजेंड्स होते हैं एंड नेक्स्ट प्लेस आपके पास टेन थाउजेंड्स होती है जिसमें आपके पास टोटल फाइव डिजिट्स होते हैं तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है हम यहां पर इन फाइव को यूज करें और इसके अलावा जो आपके कॉमास यूज होते हैं वो बेसिकली आपकी थाउजेंड और वंस प्लेस के मिड में कॉमा यूज होगा ठीक है सो अब हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है दैट राइट द नंबर्स नेम हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं और हमने उन सेट ऑफ नंबर्स को नेम असाइन करना है सो so, पहला अगर हम देखें तो हमारे पास वंस प्लेस देन आपकी टेंस प्लेस देन आपकी थाउजेंड प्लेस देन आप सॉरी हंड्रेड प्लेस देन आपकी थाउजेंड प्लेस और फिर उसके बाद आपकी टेन थाउजेंड प्लेस सो अगर हम इसको नेम में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड सो आप इसको कैसे लिखोगे ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद बी पार्ट आपका होमवर्क है ये आपने खुद करना है सी पार्ट भी आपका होमवर्क है ये आपने खुद करना है फोर्थ पार्ट मैं आपको कराऊंगी फोर्थ पार्ट में आपके पास उसी तरह से है कि यहां पर आपके पास जो फाइव है वो टेन थाउजेंड uh, की प्लेस पर है थाउजेंड की प्लेस पे आपके पास दोनों डिजिट्स हैं फाइव सेवन है जैसे यहां पर फाइव है तो ये आपकी टेन थाउजेंड्स की प्लेस पे है और उसके पास सेवन है जो कि थाउजेंड्स की प्लेस पे आपका नंबर है ठीक है तो so अब यहाँ पर आपके पास बाकी थ्री नंबर्स जो हैं वो uh, स टेन्स और हंड्रेड जो है वहां पर जीरो है सो so, हम इसको किस तरह से लिखेंगे हम इसको लिखेंगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड ये आपने जितना जो वर्क है इसको अपनी सेपरेट नोटबुक के ऊपर करना है बुक के ऊपर आपने नहीं करना उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर टू है और वो है दट राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास करेक्टली आपके पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं और आपने उन नंबर्स को ये आपका वर्ड्स की फॉर्म में है आपने इनको नंबर्स की फॉर्म में शिफ्ट करना है और इनमें जो कॉमास हैं वो भी लगाने हैं सो so पहला क्वेश्चन आपके पास है एटीन थाउजेंड सो यहाँ से अंडरस्टूड बात है कि एटीन जो है वो आपका टेन प्लेस पे है यानी वन टेन प्लेस पे है और जो आपका एट है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है so अगर हम यहां पर लिखें तो हम इसको नंबर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप लिखोगे एटीन कॉमा लगाओगे और उसके बाद थ्री जीरो लगाओगे पार्ट बी में आपके पास है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सो यहां पर टू जो है वो आपके पास टेन थाउजेंड प्लेस पे है थ्री जो है वो आपका थाउजेंड प्लेस पे है और बाकी जो थ्री है उनमें आप लगाओगे जीरो उसके बाद पार्ट नंबर सी है विच इज फोर्टी टू थाउजेंड सो यहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे फोर आपका जो है वो टेन थाउजेंड प्लेस पे है टू आपका थाउजेंड प्लेस पे है तो बाकी आपके तीनों जीरो रहेंगे हंड्रेड टें और वंस प्लेस पे ओके okay. बाकी जो है वो आपका होमवर्क है वो आप खुद करोगे ये भी आपका होमवर्क है बिकॉज ये भी सिमिलर है बाकी ए बी सी पार्ट्स के ये भी आपका होमवर्क है ये भी आपने खुद करना है और ये भी आपका होमवर्क है ये भी आपने खुद करना है उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे और क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि प्लेस दीज वैल्यू इन देयर पीरियड्स एंड राइट देयर नेम्स अब पीरियड्स आपके पास दो ही पीरियड्स हैं थाउजेंड एंड वन ठीक है हमने उनको इनके पीरियड्स में लिखना है और फिर इनके नेम्स लिखने हैं सो so आप यहाँ पर सिंपल इनके नेम्स भी लिख सकते हो और अगर पीरियड्स में आप इसको रख के ब्लॉग बना के लिखना चाहते हो तो वो भी आपकी च्वाइस है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसको नेम्स में लिखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा इनके पीरियड्स भी कि ये किस पीरियड में लाई करते हैं सो so पहला क्वेश्चन है आपके पास टू थ्री वन टू फोर राइट सो यहां पर अगर हम इसका uh, कॉमा लगाएं तो वो हम किस तरह से लगाएंगे हमारे पास ट्वेंटी थ्री आएगा देन कॉमा आएगा देन वन टू फोर आएगा राइट right? तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे इन नेम्स सो लिखेंगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड उसके बाद वन हमारे पास हंड्रेड प्लेस पे है तो हम लिखेंगे वन हंड्रेड एंड हम लोग हमेशा टेंस और वंस को कंबाइन करते हैं सो कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी फोर ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सबसे पहले हम इस पे कॉमा प्लेस करेंगे ताकि हमारे लिए उसको नेम्स में कन्वर्ट करना इजी हो जाए सो so आप यहां पर लिखोगे फाइव थ्री देन कॉमा डालोगे देन फोर हंड्रेड ठीक है सो so हम इसको नेम कैसे देंगे फिफ्टी थ्री थाउजेंड राइट right. देन आपके पास टेंस और वंस प्लेस पे जीरो है कुछ भी नहीं है तो हमारे पास फोर जो है वो हंड्रेड प्लेस पे है सो तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड फोर हंड्रेड राइट उसके बाद पार्ट सी है पार्ट सी में भी पहले हम इसको कॉमा लगाएंगे इसको शिफ्ट करेंगे सो so, जब हम कॉमा लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर नाइन कॉमा सिक्स थ्री नाइन ठीक है सो so, उसके बाद हम इसको नेम देंगे तो हम क्या लिखेंगे फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी नाइन ठीक है बाकी तीन जो है वो आपका होमवर्क है ये आपने खुद करना है ईजी हैं बिल्कुल सिमिलर हैं और एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ इनको थ्री टाइम्स प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएं और कभी भी ना भूलें ठीक उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास दैट राइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास करेक्टली हमारे पास कुछ सेट uh, ऑफ uh, नंबर्स जो है वो नंबर्स नेम्स मौजूद हैं हमने इन नंबर्स नेम को नंबर्स में कन्वर्ट करना है ठीक है सो so अब यहाँ पर क्लियर कट है आपके पास जो पीरियड्स हैं वो भी शो हुए हुए हैं सो हम इजीली उसको शिफ्ट कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एटी वन थाउजेंड सो इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास आएगा एटी वन उसके बाद आप कॉमा प्लेस करोगे देन आपके पास सिक्स हंड्रेड है तो सिक्स आपके पास हंड्रेड प्लेस पे आएगा एंड फोर्टी सेवन इट्स मीन के फोर आपके पास जो है वो टेंथ प्लेस पे है और सेवन आपके पास वन प्लेस पे है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है नाइनटीन थाउजेंड सो इट्स मीन के नाइनटीन है फिर कॉमा है एन ट्वेंटी फाइव सो इट्स मीन के हमारे पास हंड्रेड प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे एन ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर हमारे पास टेंस और वन प्लेस कम्बाइन होके ट्वेंटी फाइव बनाएंगे सो आपने इन सबको अपनी सेपरेट नोटबुक पे करना है जो आपकी मैथ्स की नोटबुक है बुक पे नहीं करना और हर क्वेश्चन की थ्री टाइम प्रैक्टिस करनी है और मुझे आपने होमवर्क के साथ अपना काम जो है वो पिक्स uh, जो है उनकी सेंड करनी है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ योर सेल्स एन हाफिज